शहर के चर्चित दवा कारोबारी आत्माराम मेडिकल्स के संचालक बलराम केडिया के छोटे बेटे रौनक केडिया हत्याकांड का भागलपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बता दें कि 10 दिन पूर्व तातारपुर थाना क्षेत्र के शनिदेव मंदिर के समीप अपराधियों ने रौनक की हत्या कर दी थी। वहीं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि टीम ने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद लगातार छापेमारी की। उन्होंने कहा कि हत्याकांड मामले में अमित कुमार सिंह, अजीत कुमार और आलोक राज को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि पैसे के लेन देन में रौनक केडिया की हत्या हुई है। एसएसपी ने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर 10 दिनों के अंदर घटना का सफल उद्भेदन कर लिया गया। घटना में प्रयुक्त पिस्टल, बुलेट एवं बाइक को भी जब्त किया गया है। जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने कहा कि हत्याकांड के सफल उद्भेदन करने वाले पुलिस कर्मियों को पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा एक बड़ी घटना का उद्भेदन किया गया और इस पूरी घटना में शामिल जितने भी लोग थे उसकी गिरफ्तारी की गई और घटना कारित करने में जो मोबाइल इस्तेमाल किया गया, गाड़ी का इस्तेमाल किया गया, हथियार का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ों की जब्ती पुलिस ने विधिवत तरीके से की है। घटना 7-8 की रात्रि की है, जिसमें कि रौनक केडिया जो 20-22 साल के एक नौजवान थे, जिनकी हत्या ततारपुर थाने अंतर्गत जो आत्माराम मेडिकल कॉलेज मेडिकल स्टोर है उसके बगल में गली जाती है शनि मंदिर की तरफ, और शनि मंदिर के आगे ही लगभग 6 गोलियां मार के उनकी हत्या की गई थी। और उस घटना के उद्भेदन, अपराधियों की पहचान, उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी श्री राज की निगरानी में सिटी डीएसपी श्री अजय कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम बनी और उस इनके इनके अंडर कुल 10 टीमें पिछले 10 दिनों से लगातार 2400 घंटे लगातार इस पे काम कर रही थी। और इसमें कुल 18 हमारे पदाधिकारी इस पूरी टीम में शामिल थे, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर जो कि वर्तमान में थाना अध्यक्ष ततारपुर के रूप में काम कर रही हैं रीता, और इंस्पेक्टर अनिल कुमार साव, इंस्पेक्टर रंजीत, इंस्पेक्टर धनंजय, इंस्पेक्टर अरुण, इंस्पेक्टर विवेक जायसवाल, और इंस्पेक्टर मुरलीधर साह, इंस्पेक्टर अभय शंकर, सब इंस्पेक्टर रविशंकर, सब इंस्पेक्टर शकील, सब इंस्पेक्टर नईम, सब इंस्पेक्टर राहुल, सब इंस्पेक्टर अजीत, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साबिर, सब इंस्पेक्टर प्रभात कुमार, सब इंस्पेक्टर सुशील राज, सब इंस्पेक्टर एजाज, सब इंस्पेक्टर चंदन, और हमारे डीआईओ के बच्चन, अभिमन्यु, रजनीश, प्रकाश, ये हमारे डीआईओ की एक टीम थी जो लगातार इन इन सभी टीमों से संबद्ध थी और काम कर रही थी। इस पूरे उद्भेदन के जो यात्रा रही, इसमें हम लोगों ने करीब 50 के करीब सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, 500 से ज़्यादा घंटों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, जिससे कि ये अपराधियों की सटीक पहचान हुई और उसके माध्यम से हम लोग साजिशकर्ता तक पहुँचे, और उसके बाद ये पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया। लगभग 400 नंबरों को के जो आंकड़े थे उनका विश्लेषण हमारी टीम के द्वारा किया गया, जिससे कि हम लोग को बहुत सारे वैज्ञानिक साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे हम लोग को इस पूरे केस को खोलने में मदद मिली। और इस पूरे टीम के द्वारा पिछले 10 दिनों में 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे, वेस्ट बंगाल, झारखंड और बिहार, 3 राज्यों में कुल 23 जगह पे छापेमारी की गई, और उसके बाद पिछले 24 घंटा में ये फाइनली जो है हमारी टीम के द्वारा सफलता अर्जित की गई। और इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे और जिस जिस चीज़ों का प्रयोग किया गया था उन सभी की बरामदगी भी सुनिश्चित की गई, और लगभग इस पूरे उद्भेदन में 25 से ज़्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई है, और उसमें ऐसे भी लोगों से पूछताछ हुई है जिनके बहुत लंबे लंबे आपराधिक इतिहास भी रहे हैं, और उससे भी हम लोग को बहुत सारी मानवीय सूचना मिली, जिससे हम लोग इस केस को उद्भेदन में हम लोग को मदद मिली। इस तरीके से भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, और इसमें 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, अमित मंडल और दिलखुश उर्फ अजय आलोक और अजीत।
और अमित मंडल जो है प्रतापपुर का ही रहने वाला है, और दिलखुश गुआर टोली का रहने वाले दुक्सर थाना अंतर्गत, और जो अजीत है वो हरिहरपुर एक गांव है जो कजरेली थाना अंतर्गत पड़ता है, वहां से गिरफ्तार हुए। और जो तीसरा अजीत कुमार, इसी के पास से जो हथियार था उसकी भी बरामदगी अमित के निशानदेही पे की गई। और इस पूरे घटना का जो मोटिव जो हम लोग के पूछताछ में सामने आया, ये पैसे के लेन देन का विवाद था। इसके साथ ही साथ जो मृतक के पिता हैं इनसे और अमित मंडल से काफ़ी हॉट टॉक हुआ है, और इसका ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है जिसमें काफ़ी गाली गलौज की गई है, और ये ऑडियो भी हम लोग के पास उपलब्ध है। और इस पूरे हत्या का जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का जो घटना से लगभग 20 दिन पूर्व अमित मंडल के द्वारा जो दिलखुश है उसको दिया गया था, और अमित मंडल के द्वारा ही हथियार भी उपलब्ध कराया गया था। कुल 2 लाख रुपए में बात तय हुई थी, और जो एक अपराधी है उसकी बहन की शादी में भी अमित मंडल ने प्रॉमिस किया था कि वो उसमें भी मदद करेगा। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ है इसका जो वैज्ञानिक साक्ष्य भी हम लोग के पास उपलब्ध है, और घटना करके ये लोग यहाँ से सुल्तानगंज भागे, उसके बाद वहाँ से झारखंड में पनाह लिए हुए थे। लेकिन हम लोग की टीम ने कड़ी मेहनत से, लगातार 10 दिनों की मेहनत से जो तीनों अपराधी थे उनको खोज निकाला, उनको गिरफ्तार किया, और जितने सारे चीज़ें प्रयुक्त की गई थी घटना को काबित करने में उसकी भी बरामदगी करने में सफलता पाई है। और इस बड़ी सफलता के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय के द्वारा पूरी टीम को 50,000 रुपये का पुरस्कार भी पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय जो पूर्वी क्षेत्र के हैं उनके द्वारा ऐलान किया गया है। भागलपुर के सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल तीसरी बार गंगा नदी में आज सुबह ध्वस्त होकर गिर गया। बताया जा रहा है कि सुल्तानगंज से अगुवानी घाट की तरफ से पिलर नंबर 9 और 10 के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। बता दें कि इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी करा रही है। दरअसल सुल्तानगंज में बन रहा पुल खगड़िया और भागलपुर जिला को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी 4 जून 2023 को सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन 4 लेन पुल जमींदोज हो गया था। क्या देखे अभी आप? 10-15 मिनट पहले देखे पुल गिर गया। क्या नंबर पिलर का थी? 9 नंबर पिलर है वो। लोग बोला 10 नंबर। 10 नंबर तो इधर वाला है। अच्छा, वो उस पार वाला गिर गया। उस पार 9 नंबर पिलर, उसके ऊपर क्या सब था अभी दिखे दिख रहा था? उसके ऊपर मशीन सब रखा हुआ था, सीमेंट गिरा है ऊपर वाला, वो सब कट रहा था। कितना देर पहले लगभग गिरा? 15-20 मिनट पहले। आप देखे यहाँ पे नजर? देखे हर बड़ा की गिर। क्या बोले? पूरा आवाज किया, इतना आवाज किया कि पूरा लगा जैसे हवाई जहाज जा रहा है। हम बोले कि दो को गिर गया पुल, इन्हें को पुल, लेकिन हम बोले देखे तो पूरा हड़बड़ा गिर गया पुल पानी में, ऐसे सीधे बैठ गया अभी जस्ट। अभी तुरंत यार भाग ऐसा होता कि अगर ना रहता तो कहीं ना कहीं हादसा हो सकता था, बहुत आपदा आ सकता। अंग क्षेत्र में आज भी पौराणिक काल से चली आ रही बिहुला विषहरी पूजा की परंपरा कायम है। दरअसल बिहुला विषहरी में मां मनसा की पूजा की जाती है। मनसा देवी को भगवान शिव और माता पार्वती की सबसे छोटी पुत्री माना जाता है। बता दें कि अंग क्षेत्र के चंपा नगर की बिहुला विषहरी की कहानी और पौराणिक मान्यताएं हर ओर फैली हुई है। जानकार बताते हैं कि विक्रमशिला के अवशेषों में भी इसके तथ्य मिलते हैं। बिहुला विषहरी की कहानी भागलपुर के चंपानगर के बड़े व्यवसायी और शिव भक्त चांदो सौदागर से शुरू होती है। इधर मां मनसा की पूजा भागलपुर में धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ की जा रही है। जिले के चंपानगर सहित महाशय ड्योड़ी, पर्वती, उर्दू बाजार, जरलाही, ईश्वरनगर, पासीटोला, हबीबपुर, इसाकचक, भीकनपुर, घुमटी नंबर 1 और 2, छोटी खंजरपुर, बड़ी खंजरपुर, बरारी, नया बाजार, बंसी टीका, नौगछिया समेत 100 से अधिक स्थानों पर पूजा की जाती है। छठ पूजा होता है हम लोग को भसिया हो जाना, बारी मयोसन आना, बाला बीला के शादी ब्याह करना, वो सब भगत का काम है। नाग दंसना भगत का काम है। हम 1970
मैया के ऊपर मैया जो भगत को अपने आप दे देता है दुआ, और जब तक उसका पूजा नहीं हो गया तो भगत अंजल नहीं पिए। मंटू भगत। भागलपुर जिला के आरजेडी अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव द्वारा मीडिया में दिए गए बयान को लेकर एआईएमआईएम के नेता और कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। एआईएमआईएम नेता मोहम्मद इस्माइल ने कहा कि आरजेडी अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने बयान दिया कि किसी मुस्लिम की औकात नहीं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द बोल सके, और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी पार्टी गिफ्ट देती है जो सरासर गलत है। वहीं एआईएमआईएम पार्टी के जिला संयोजक हाजी शाहीन और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव पर जमकर बरसे। उन्होंने बताया कि इस आपत्तिजनक बयान के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मुद्दा यह है कि भागलपुर के आरजेडी के जो जिला अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनका एक बयान आया है जो हमें एक समाचार पत्र के द्वारा हमारे तक आया है, आरएनएन पेपर है उसमें, और उन्होंने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान के अंदर कि ये औकात नहीं है कि वो बीजेपी या मोदी जी के खिलाफ बोल सके। इस बयान से हम लोग काफ़ी मर्माहित हैं और बड़ी दिली दुख पहुंचा है, इसलिए आप लोगों को बुलाया है और आप लोग के सामने हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद जी को और उनकी पार्टी लोगों को, तो ये बताना चाहते हैं उनकी पार्टी के पदाधिकारियों को कि मुसलमानों की औकात अगर देखनी थी तो आपको तो मुसलमान का वोट ही नहीं लेना था। अगर यही मुसलमान की औकात है, ये मुसलमान आज अगर आपकी पार्टी को छोड़ दें तो कल आप अपनी औकात पर आ जाएंगे। यही मुसलमान आपकी औकात को बना के रखे हुए हैं, और मुसलमान बीजेपी के खिलाफ सिर्फ बोल ही नहीं सकता, आपकी जानकारी में दे दें कि मुसलमान उसके खिलाफ वोट भी करता है। उसी वोट की ताकत से आप इतना बोलने की ताकत रखते हैं और आपकी औकात बनती है, हमारी औकात से आपकी औकात बनती है। इस बात से हमें बहुत तकलीफ हुई है और तमाम मुसलमान भाइयों से हम ये हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इसके बारे में सोचे कि ये इसके दिल में हमारे लिए कितनी सी इज्जत और आबरू रही है। एक पार्टी होकर के ये रूलिंग पार्टी है, सरकार में भी रही है और अभी अच्छा खासा उनका अहमियत भी है विधानसभा में, और मुसलमान के वोट से वो वहाँ पहुँचते हैं। नाथनगर विधानसभा से उनका एक विधायक है अशरफ अली सिद्दीकी साहब। मैं ये पूछना चाहूँगा कि नाथनगर विधानसभा में समथिंग 1,30,000 मुसलमान वोटर है और जिसमें से इनके विधायक को जो विनिंग वोट मिला वो 78,000 समथिंग मिला, 1,00,000 वोट मुसलमानों ने कास्ट किया। कहाँ है आपका यादव वोटर, कहाँ है आपका माई समीकरण, किस वोट से आप सत्ता में आते हैं, किस वोट के बने पर आप अपनी ताकत को बताते हैं, और ये लहजा आपका बड़ी खराब और इसकी जितनी भर्सना की जाए वो कम है कि आपने मुसलमानों की औकात को नापने की बात कही है। इंशाअल्लाह यही मुसलमान आने वाले आगामी विधानसभा के चुनाव में आपकी औकात बताने का काम करेंगे कि जब हम आपका साथ छोड़ देंगे तो आपका औकात कहाँ गिरता है। और एक राजनीति पार्टी और इतने जिम्मेवार पद पर रहते हुए ये एक बात करने की शैली और ये ढंग नहीं है कि आप किसी कौम को कोड करके और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ललकारें कि आपकी औकात नहीं है बोलने की। क्या हम सब आपके बंधुआ मजदूर हैं? हम अगर बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल सकते तो क्या आप मेरी आवाज को उठाते हैं? आप मेरी हक की बात को उठाते हैं? पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि बीजेपी के खिलाफ हमारे एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसी बात को उठाते हैं और उसके कौन से बिल जो जनता के हित के खिलाफ रहता है उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला संयोजक, भागलपुर जिला के जिला संयोजक, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का रीज़न ये है कि हमारे अभी आरजेडी के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर जी
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक बयान दिया जो बहुत काफी तेजी से वायरल हो रहा कि किसी भी मुसलमानों की औकात नहीं है कि एक शब्द भी बीजेपी को बोल सके या नरेंद्र मोदी को कह सके। तो सबसे पहले मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। और दूसरा, उन्होंने एक शब्द बोला कि ये बीजेपी की बी टीम है असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो पहली मुद्दा ये जो है इन्होंने छोड़ा कि किसी भी मुसलमानों की औकात नहीं। तो सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो मुसलमान ही हैं जिसकी औकात है कि पूरे पार्लियामेंट में जब वो बोलते हैं तो सारे लोग सन्न होकर के उनकी आवाज को, उनकी बातों को सुनते हैं। ये मुसलमान ही है। दूसरा, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ये मुसलमान ही है जिसकी वजह से आज वो, कभी उनके बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री का पद संभाला था, यही मुसलमान है। और इसी मुसलमान को वो गाली देने का काम कर रहा है कि किसी भी मुसलमान की औकात नहीं। तो मैं उनको इंशाल्लाह इस बार, ये मेरा और हर लोगों का ये आह्वान है कि उन लोगों ने ये तय कर लिया कि हम इस बार बताएंगे कि हम मुसलमानों की क्या औकात है, उनको आने वाले 2025 विधानसभा में उनकी औकात बता देंगे, मुसलमानों की औकात क्या। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रिलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रिलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रिलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स, फॉर बुकिंग्स कॉल 8298181018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर वन और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkueledbulb@gmail.com। हमारा पता असानंदपुर, भागलपुर, बिहार 812002। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में डॉक्टर की हत्या की घटना के बाद देश भर में ममता सरकार के खिलाफ
प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में भागलपुर में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने शहर के वैरायटी चौक से खलीफाबाग चौक तक आक्रोश मार्च निकाला। आज पूरे देश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बंगाल में जो घटना घटी है उस घटना के विरोध में तथा बंगाल की जो सरकार है उस मामले को बचाने का जो प्रयास कर रही है ममता बनर्जी के इशारे पर टीएमसी के गुंडे के द्वारा जो इस घटना में शामिल टीएमसी के गुंडे हैं उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा प्रतिशोध मार्च किया जा रहा है। बता दें कि यह बंगाल के अंदर कोई पहली घटना नहीं है। आपको याद होगा कि विगत दिनों जिस प्रकार से संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ ठीक उसी प्रकार से आज जूनियर डॉक्टर्स के साथ जो घटना घटी है वह मानवता को संसार करने वाली घटना है। यह घटना टीएमसी के द्वारा पोषित गुंडे के संरक्षण में हुआ है तथा जो जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक स्वयं एक महिला है उस प्रदेश के अंदर आज आए दिनों लगातार महिलाओं के आबरू को रोचा जा रहा है, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हुआ, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को एक मिनट भी कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उनको महिला के आत्मसम्मान के लिए अपने कुर्सी पर से इस्तीफा देकर जिस अपराधियों के खिलाफ उनको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिनके पास स्वयं मुख्यमंत्री का दायित्व, जिनके पास स्वयं गृह मंत्रालय का दायित्व, जिनके पास स्वयं स्वास्थ्य मंत्रालय का दायित्व है, वह महिला आज अपने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए प्रोटेस्ट का खेल खेल रही है। इस प्रकार से नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी को इस्तीफा देकर जल्द से जल्द जो आरोपी है उनको जब तक फांसी की सजा नहीं होगी उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई नहीं होगी तथा अन्य जो डॉक्टर्स हैं उनकी तथा महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाएंगे तब तक विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। कोलकाता में महिला चिकित्सक की हत्या के विरोध में इंडियन डेंटल एसोसिएशन अंग प्रदेश भागलपुर के चिकित्सकों ने कैंडल मार्च निकाल कर न्याय की मांग की। चिकित्सकों ने घंटाघर चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, सचिव डॉक्टर शुभंकर कुमार सिंह, डॉक्टर अभिषेक सिंह, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर गीतांजलि, डॉक्टर अमृता समेत कई चिकित्सक मौजूद थे। आज हम इंडियन डेंटल एसोसिएशन विरोध मार्च कर रहे हैं। जो डॉक्टर के साथ कोलकाता में घटना घटी है, अमानवीय व्यवहार हुई है, इसके लिए हम लोग आज कैंडल मार्च कर रहे हैं जिसमें हम लोग कोलकाता पुलिस एवं कोलकाता सरकार से हमारी मांग है कि डॉक्टर के साथ जो व्यवहार हुई है, जो भी इसके लिए दोषी है उसको उचित पनिशमेंट दिया जाए, उसकी सज़ा दी जाए और इसको फास्ट ट्रैक के तहत सजा घोषित की जाए। और